हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ केमिस्ट्री, जिसमें कि आपके पास चैप्टर नंबर 1 आ चुका है, है ना। चैप्टर नंबर आपका 1 आ चुका है। आज से आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट्स, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का आज पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट पार्ट को पढ़ाया जाने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा, और जिसका नहीं हुआ है तो आप प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो हम एक कॉमन सी परिभाषा लाते हैं, जो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं, है ना। तो आइए बिना किसी विलम्ब के शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो हमारी हेडिंग शुरू होती है पहली अम्ल, एसिड्स। अगर दैनिक भाषा में कहें तो देसी भाषा में बहुत ही सिंपल बात होती है, अम्ल क्या होते हैं। कैसे पता चलेगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो सब अम्ल होते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाएंगे भैया? एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, है ना। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें, जैसे आपका नींबू होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है ना। इस तरह से बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। और जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहलाते हैं। आया समझे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में आपका HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, H2CO3, etc. ये सब क्या है भैया? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। ये सब चीज स्वाद में खट्टे होते, लेकिन क्या जो नेचर से पाए जाते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है ना, इन सब चीजों में जो अम्ल पाए जाते हैं उनकी बात अलग होती है। उनका हम स्वाद ले सकते हैं, लेकिन ये जो अम्ल है इनका हम स्वाद नहीं ले सकते। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, अर्थात अगर इनको हम छू भी लेते हैं तो ये हमें जला देते हैं, हमें नुकसान करते पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो इनका हम नहीं कह सकते हैं, इनका स्वाद लेना तो है ही नहीं, ठीक है ना। किसी भी हालत में इनका स्वाद नहीं लेना है। तो अब हम चलते हैं इसकी दूसरी परिभाषा अथवा, ठीक है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आर्हेनियस, के अनुसार आर्हेनियस ने इन अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा कि वे पदार्थ, ठीक है ना भाई, इनको टेस्ट करके, इनको चक करके हम स्वाद नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इनको चक लिया और वैसा किया तो हम जल जाएंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, हाइड्रोजन आयन देते हैं, इनको हम H+ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। देखिए, चाहे कोई सी परिभाषा को आप याद करें, हम आपके लिए बहुत ही छोटी छोटी नन्नी नन्नी परिभाषाएं लेकर आए, जिनसे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक लाइन में परिभाषा याद हो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, ना।
बाप को क्या करना है, बस पका पकाया खाना है, घर में बैठ करके आराम से खाते रहो, पड़े पड़े खाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका पहला HCl है, क्या ले लिया भैया, HCl है, ये जली बिलियन में क्या करेगा, हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस। दूसरा हमने HNO3 ले लिया, H प्लस NO3 माइनस। तीसरा हमने H2SO4 ले लिया, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। CH3COOH ले लिया हमने, चौथा हमने, तो ये बन जाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अगर हम यहाँ पे पांचवा H2CO3 ले लें तो ये क्या बनाएंगे, H प्लस प्लस HCO3 माइनस, है ना। तो आप देखेंगे कि ये सभी पदार्थ जितने भी हमने लिए थे, उन सभी पदार्थों में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन बनता है ना। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वही अम्ल कहलाते हैं। आया समझ में, यानी जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आगे समझ में क्लियर है ना। तो अब हम चलते हैं अगली परिभाषा पर। अब अगली डेफिनेशन हमारा, अम्ल के बारे में हम जान चुके हैं, अब अगली हटी होगी क्षार यानी कि बेस, ठीक है ना, क्षार यानी कि बेस। तो बहुत सिंपल सी, जैसा कि अम्ल की परिभाषा उसी तरह क्षार की भी परिभाषा लेते हैं, बहुत ही छोटी मोटी परिभाषा है कि वे पदार्थ, क्या लिख सकते हैं, वे पदार्थ, ठीक है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे या कह दें तीखे होते हैं, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं तीखे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं या कह दें तीखे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, etc। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, लेकिन केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बात वही लागू हो जाती है, कौन सी, कि सभी पदार्थों को टेस्ट करके जाना नहीं जा सकता, सभी पदार्थों को टेस्ट करके पहचाना नहीं जा सकता। अच्छा, दूसरी बात, क्षार की बात करें तो जैसे नहीं कपड़े धोने वाला साबुन होता है, कपड़े धोने वाला क्या होता है, साबुन होता है, उस साबुन को अगर हम, ठीक है ना, किसको, साबुन को, अगर उस साबुन को हम, मैंने नहाते वक्त या कपड़े धोते समय मुंह में चला जाता है ना, तो जैसा स्वाद आता है वही क्षार होता है, ठीक है ना, वो क्षार का ही स्वाद होता है, क्योंकि उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और वो क्षार को प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसको हम दूसरी प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, अथवा जैसा कि अम्ल में हुआ था RNAS के अनुसार, क्योंकि सभी चीजों को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते, खतरनाक हो सकता है, हम जल जाएंगे, RNAS के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आए ब्रैकेट में OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल को क्या कहते हैं, OH आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं भैया, क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना, क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार,
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने ले लिया NaOH, है ना, क्या लिया भैया NaOH, ये क्या होगा Na प्लस प्लस OH माइनस, बन गया हाइड्रोक्सिल आयन। परिभाषा में क्या कहा था कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, KOH, K प्लस प्लस OH माइनस, CaOH का होल ट्वाइस, Ca डबल प्लस प्लस 2OH माइनस, MgOH का होल ट्वाइस क्या बनेगा Mg डबल पॉजिटिव प्लस 2OH निगेटिव, NH4OH ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, है ना। तो इस तरह से अगर लागू होता है तो ये पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं OH 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 सभी जो OH आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार, क्या कहलाएंगे भैया क्षार कहलाते हैं, ठीक है ना, आ रहा होगा समझ में। तो इस तरह से अम्ल और क्षार के बारे में आप जानकारी ले चुके हैं, अब हम चलते हैं थोड़ा सा अन्य आगे की हेड। अब बात ये आती है भैया कि एक शब्द आता है सूचक, इंडिकेटर बोलते हैं, है ना। ये भी अभी हमने दो परिभाषाएं दी जिनके अंतर्गत हमने आपको बताया कि अम्ल को पहचाना जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर उस तरह से ना काम चले तो अगली भी परिभाषा होती है सूचक के द्वारा भी हम पदार्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनती है सूचक, क्या होते हैं वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग होता है, वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग होता है और क्षारीय विलयन में इससे भिन्न रंग होता है, वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग होता है और क्षारीय विलयन में इससे भिन्न रंग होता है क्षार कहलाते हैं, सॉरी सूचक कहलाते हैं, वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग होता है और क्षारीय विलयन में इससे भिन्न रंग होता है, मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयन में कुछ और रंग देंगे और क्षारीय विलयन में कुछ और रंग देंगे, तो ऐसे पदार्थों को हम सूचक कहते हैं, यानी इनके द्वारा भी अम्ल और क्षार की हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। किसकी पहचान कर सकते हैं अम्ल और क्षार की। तो आइए हमारे पास थोड़ा सा एग्जाम्पल है जिनको हम देखते हैं कि सूचक, ठीक है, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन, यानी सूचक रहेंगे वो अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देते हैं और क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देते हैं, सीरियल नंबर, ठीक है, नंबर वन। लिटमस की बात करें, पहला सूचक होता है लिटमस, से लिटमस पेपर के नाम से भी जानते हैं जो प्रयोगशाला में यूनिवर्सिटी में आसानी से मिल जाता है, ये अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है और क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है, यानी अगर लिटमस पर हम अम्ल की दो चार बूंदें गिराएंगे तो ये लिटमस पेपर जो होगा वो लाल कलर का हो जाएगा और क्षार की अगर गिराते हैं तो नीला।
नंबर दो आपका पत्ता गोभी होता है, पत्ता गोभी आपने देखा जिसे बंद गोभी बोलते हैं, कल्ला भी बोलते हैं, है ना, पत्ता गोभी होता है, ये भी एक सूचक होता है, ये प्राकृतिक सूचक है ना, कैसा है प्राकृतिक, ये लाल देता है और क्षारीय विलयन में हरा रंग देता है, अम्लीय विलयन में लाल देता है और क्षारीय विलयन में हरा रंग देता है। नंबर तीन हल्दी है ना, हल्दी क्या होती है, हल्दी क्या देती है, पीला देती है, अम्लीय विलयन में कैसा कलर होता है, पीला, और क्षारीय विलयन में इसका लाल हो जाता है। ये तो आपने देखा है ना नेचुरल चीजें, अगर हम लोग खाना वाना खाते हैं तो अगर सब्जी वगैरह हमारे कपड़ों में गिर जाती है, फिर सब्जी को अगर उस कपड़े को अगर साबुन से धुलते हैं तो उसका कलर लाल सा हो जाता है। कभी भी आप देखना कि अगर कड़ुआ तेल या हल्दी वगैरह गिर जाती है और उसको अगर हम धोते हैं तो कैसा विलयन देती है, कलर देती है, लाल कलर हो जाता है। फिनोफ्थलीन है, चौथा है फिनोफ्थलीन, ये रासायनिक उर्वरक होते हैं जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, फिनोफ्थलीन। ये तीनों जो है नेचुरल है, प्रकृति में पाए जाते हैं, अम्लीय विलयन में ये रंगहीन रहता है यानी इसका कोई कलर नहीं होता है, और क्षारीय विलयन में जो है ये लाल हो जाता है, ठीक है, अम्लीय विलयन में ये रंगहीन रहता है और क्षारीय विलयन में ये लाल हो जाता है। पांचवा आपका लेते हैं मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज जो है ये लाल होता है, अम्लीय विलयन में कलर देता है और पीला कलर देता है क्षारीय विलयन में, ठीक है ना। और तीस छठवा ले लेते हैं, आपके घर में पाया जाता है प्याज का रस, है ना, ये कहाँ मिलेगा, आपके घर में ही मिल जाएगा प्याज का रस, और ये अम्लीय विलयन में स्मेल देता है, गंध देता है, ठीक है ना, और क्षारीय विलयन में कोई गंध नहीं आती, यानी अगर हम अम्ल डालेंगे तो स्मेल आएगी, तो इसका मतलब है कि वो अम्ल होगा, और अगर क्षार डालते हो कोई क्रिया नहीं होती है तो वो कहलाएगा क्षार, क्षारीय विलयन, ठीक है ना। तो ये थी हमारी सूचक की परिभाषा, सूचक के प्रकार और एग्जांपल होंगे, अब हम चलते हैं सूचक के प्रकार। है ना, तो हम चलते हैं, हमारी डेफिनी हेडिंग होगी सूचक के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। सूचक के प्रकार में चलते हैं, क्या लिखेंगे, जी सूचक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, सूचक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक है, सूचक हमारे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सो नंबर एक पर डालते हैं, नंबर वन पर रेडिंग होगी प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, ब्रैकेट में इंग्लिश होगी इसकी नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक सूचक के बारे में चलते हैं ना, क्या होते हैं इस प्रकार के सूचक। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसा कि नाम दिया गया है प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल अर्थात नेचर में पाए जाते हैं, वनस्पतियों से पाए जाते हैं, पेड़ पौधों से पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बस बैठे बैठे तैयारी करना है ना, और करते रहिए भैया, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, ऐसे बैठे रहते हो, देखते भी नहीं हो, कैसे काम चलेगा, पढ़ाई तो पढ़ना ही तो पड़ेगा, और पढ़ना तो पड़ेगा ही, इतना तो कर ही सकते हैं। आइए देखते हैं आज की परिभाषा क्या होती है, ये लिख सकते हैं कि वे सूचक जो प्राकृतिक पौधों, वे सूचक जो प्राकृतिक, या कहते हैं प्रकृति ब्रैकेट में पेड़ कॉमा पौधों, है ना, वे सूचक जो प्रकृति यानी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं,
में पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, है ना। वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में, पहला है लिटमस, ठीक है ना, कॉमा, हल्दी है, अभी मैंने आपको टेबल में बनवाया था, हल्दी भी है, लाल पत्ता गोभी भी है, लाल पत्ता गोभी है ना। आज ये ऐसे सूचक हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, इनसे केमिकल रूप से इनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। नंबर दो पर आते हैं, दूसरा है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक, सिंथेसाइज, SYNTHESI, सिंथेसिस इंडिकेटर, संश्लेषित सूचक के बारे में बात करते हैं, है ना। तो क्या होता है संश्लेषण, अभी मैंने बताया जो नेचर में पाए जाते हैं, फ्री में मिलते हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं होती, सब प्राकृतिक होते हैं। और संश्लेषित का मतलब होता है कि वैज्ञानिकों द्वारा या वैज्ञानिक विधियों द्वारा जो बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में जो सूचक बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं संश्लेषित, या कृत्रिम सूचक भी इनको कहा जा सकता है। तो लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा, वैज्ञानिक विधियों द्वारा, है ना, वैज्ञानिक विधियों द्वारा द्वारा निर्मित सूचक वैज्ञानिक विधियों द्वारा निर्मित सूचक क्या कहलाएंगे भैया? संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। संश्लेषित सूचक कहलाते, ठीक है ना। वैज्ञानिक विधियों द्वारा निर्मित सूचक, जो वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं संश्लेषित सूचक, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि अभी आपने टेबल में देखा था, फेनोफ्थलीन, फेनोफ्थलीन कॉमा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये सब क्या है? ये प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? संश्लेषित सूचक, ठीक है। नंबर तीन पर चलते हैं हमारे हैं, नंबर तीन पर आते हैं गंध युक्त सूचक। गंध युक्त सूचक, इंग्लिश में कहेंगे ऑल्फैक्टरी, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इंग्लिश पढ़ना भैया बहुत जरूरी है, आप नन्हे मुन्ने रहे हैं, इतना तो पढ़ ही सकते हैं ना। हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों लिखा रहा हूं, बहुत आसानी से आपकी तैयारी के थ्रू कह सकते हैं विशिष्ट गंध द्वारा, बहुत सिंपल सी है ना, सूचक गंध ही स्मेल देंगे, स्मेल से देंगे, विशिष्ट गंध द्वारा, विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में, गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में, विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त सूचक, विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त सूचक गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं, है ना। जिनको स्मेल के द्वारा पहचाना जाए, खुशबू के द्वारा पहचाना जाए, वो कहलाते हैं क्या? गंधयुक्त सूचक, है ना। जैसे
एग्जाम्पल में वनीला, प्याज, प्याज का रस होता है भाई, प्याज का रस स्मेल से पता चलता है, इसे सूंघ कर पता चलता है, लौंग आदि, इन्हें हम स्मेल से पहचान सकते हैं। स्मेल के द्वारा ये हमें अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं, स्मेल के द्वारा ये हमें अम्ल और क्षार की पहचान करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये थे तीन प्रकार के हो गए, अभी चौथा प्रकार और बाकी है, तो पहले हमें इसको साफ करना होगा। नंबर चार पर चलते हैं, चौथा प्रकार क्या है हमारा, कौन सा सूचक है हमारा। तो भैया नंबर चार की बात करें, चौथे सूचक को हम कहते हैं सर्वव्यापी सूचक, सर्वव्यापी सूचक, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सर्वव्यापी का इंडिकेटर। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है, सभी जगहों पर पहचाने जाने वाले, ठीक है ना। हाँ, क्या होते हैं भैया, विभिन्न प्रकार के सूचकों को, विभिन्न प्रकार के सूचकों को, है ना, विभिन्न प्रकार के सूचकों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण के सूचकों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण मिलाने पर प्राप्त मिश्रण जो हाइड्रोजन आयनों, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सूचकों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं, हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग, भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है, करता है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी सूचक। कहलाते हैं, ठीक है ना, या सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। वे पदार्थ, क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के सूचकों को मिलाने पर, कई सारे सूचकों को मिलाया जाए और एक मिश्रण प्राप्त होगा जो कि हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं, यानी कम है हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, कि सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग देखते हैं, अलग अलग टाइप के कलर देते हैं, सर्वव्यापी सूचक कहलाते हैं या सार्वत्रिक सूचक कहलाते हैं। आया समझ में। तो भैया आज के लिए अम्ल की डेफिनेशन हो गई, क्षार हो गया और सूचक के बारे में आपने जान लिया। कल हम जानेंगे, यानी अगले वीडियो में हम जानेंगे लवण के बारे में कैसा होता है ना। तो तब तक के लिए हम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सकें, है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।